बाद ये जो वाइफ है उसके घर पे चले गए, और जब तक डिसीज वहाँ पे पहुँचते लोग सारे पहले ही वहाँ पे मौजूद थे। और वहाँ पे उसके घर पे पहुँचने के बाद में इन लोगों में थोड़ा झगड़ा हुआ और आपस में, और उसके बाद से उसका इन लोगों ने मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद में जो वाइफ है, वाइफ को इन लोगों ने एक और के साथ में बाहर कहीं भेज दिया। और ये जो बाकी के जो लोग हैं, ये लोग गाड़ी लेके आए जो कि एक्यूज़ A1 की है, वो ऑटो गाड़ी है। उस ऑटो में इन लोगों ने बॉडी को डाल दिया, और वैसे ही लोग कुछ पेट्रोल भी लेकर आए, और वहाँ से बॉडी को ले जाके पहाड़ी स्ट्रीट एरिया में जो फैक्ट्री है वहाँ पे इन्होंने बॉडी को डंप करके उसको जला दिया ताकि पूरा एविडेंस ख़त्म हो जाए। तो शुरुआत में ये केस बहुत ही नामुमकिन टाइप लग रहा था, क्योंकि इस केस में हमको ना तो जो मरने वाला है उसकी शिनाख्त हुई थी और ना ही हमको कुछ और इसमें क्लू थे। लेकिन हमको CCTV फुटेज के द्वारा कुछ स्टार्टिंग में कुछ क्लूज़ मिले, उनको आगे डेवलप किया गया, और बाकी हमको जो लोकल कुछ खबर भी हम लोगों ने इकट्ठी की, वो सारी इन्फॉर्मेशन को डेवलप करते हुए हमने आज इन 5 लोगों को अरेस्ट किया है और इनको जुडिशल कस्टडी के लिए भेज रहे हैं। इस केस में बेसिकली हमारी जो टीम है उसने बहुत अच्छा काम किया। उसमें हमारे ACP वनासलीपुरम, हमारे IT सेल इंस्पेक्टर, और हमारे पहाड़ी शरीफ इंस्पेक्टर, पहाड़ी शरीफ DI, पहाड़ी शरीफ SI और उनका सारा टीम, इन सब लोगों को हम रिवार्ड से भी नवाजेंगे। थैंक यू।